एक काबिल स्टूडेंट की सबसे बड़ी ताकत है उसका डिसिप्लिन। आने वाला वक्त आसान नहीं है, रास्तों में बहुत मुश्किलें हैं, और वो जो डिसिप्लिन है वो ही इन रास्तों पर चल पाएगा। मैं चाहता हूं कि आप मोटिवेटेड रहें। आई डोंट केयर अगर आपको मुझे 1000 बार सुनना पड़े, आई वॉन्ट यू टू स्टे मोटिवेटेड। मैं चाहता हूं कि आप इस मोटिवेशन को डिसिप्लिन में बदले। मैं चाहता हूं कि आप खुद पर भरोसा रखें और आप वो हर चीज को सीखें जो आपके कल को बेहतर बनाएगा। आप वो बेहतर कल डिजर्व करते हैं। अपनी हर तकलीफ को अपनी ताकत में बदलो। मैं चाहता हूं आप देखो उस बेहतर कल को। आज स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है कि वो उस बेहतर कल को देख नहीं पाते हैं। आपको रोज उस बेहतर कल के बारे में सोचना होगा। आपको ये विजुलाइज करना होगा कि आप अपने फ्यूचर में इतने काबिल बन गए हैं कि आपका कल आपको थैंक यू बोल रहा है आपकी आज की इस मेहनत के लिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने कानों को खोलकर सुने। आप अपने कानों को खोलकर सुने कि आपका कल आपको थैंक यू बोल रहा है। थैंक यू कि तूने आज गिव अप नहीं किया। जब हर चीज तेरे अगेंस्ट जा रही थी, तूने हिम्मत नहीं हारी। थैंक यू तूने डिप्रेस होकर सब कुछ छोड़ा नहीं। थैंक यू तू मेहनत करता गया और हारा नहीं। थैंक यू। तुझसे होगा, जरूर होगा। कई बार ये लगेगा कि ये सब बहुत मुश्किल है। ये आज मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि ये आसान नहीं होगा, पर इस मेहनत का आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। शायद आप एक बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हैं या एक बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, पर अभी आपको ये कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अपनी हर तकलीफ को अपनी ताकत में बदलना होगा। मैं चाहता हूं कि आप एक एवरेज इंसान बनने से घबराएं। आप डरे ये सोचकर कि आपकी जिंदगी एक एवरेज जिंदगी बनकर रह जाएगी। कितने लोगों की उम्मीदें टिकी हैं आप पर, कितने लोगों को भरोसा है आप पर कि आप एक एवरेज जिंदगी से बाहर निकालोगे एक बेहतर कल के लिए। एक स्टूडेंट की एज ऐसी है कि उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है, हालात बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। आप इस वक्त को जाया नहीं जाने दे सकते हैं। मैं चाहता हूं आप मेहनत करो, कंसिस्टेंटली मेहनत करो, खुद को मोटिवेटेड रखो, पॉजिटिव रहो और गिव अप न मारो। आपको रेस्पेक्ट कमाना होगा, आपको अपना एक नाम बनाना होगा। जीतने का जुनून रखो, लड़ो, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। अपने लक्ष्य को याद रखो, अपने लिए रोज के गोल्स तय करो और उन्हें अचीव करो। अच्छी आदतें रखो और फोकस्ड रहो। आपको एक बेहतर कल चाहिए तो आपको उन सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। हर कोई बेहतर कल चाहता है लेकिन बेहतर बनना नहीं चाहता। कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा आप अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। आप पढ़ तो खूब रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। एक सच्चा स्टूडेंट वो है जो घबराए ना। एक सच्चा स्टूडेंट वो है जो हारे ना। एक सच्चा स्टूडेंट वो है जो डिसिप्लिन्ड है। एक स्टूडेंट की असली ताकत वो खुद है। वो अकेला है मगर कमजोर नहीं। मैं पढ़ा फिर भी टेस्ट में फेल हो गया। मैं पढ़ा मगर एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए। लाइफ आगे बढ़ते रहने की एक जंग है जो भरी हुई है इन टेस्ट, इन एग्जाम से एंड ऐसे जरूरी इम्तिहानों से कि आपको अपने अंदर झांकना होगा और खुद से ये पूछना होगा, क्यों कर रहे हो आप ये सब? क्या रीजन था कि आपने ये मुश्किल रास्ता चुना? वो क्या इमोशंस थे, वो क्या फीलिंग्स थी, वो क्या सिचुएशन थी कि आप इस रास्ते पर आगे बढ़े? मैं बताता हूं आपको क्यों। 10 में से 9 स्टूडेंट्स जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूं आपको क्यों, क्योंकि उनमें भूख होती है। भूख एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर है
जो आपको मजबूर कर देती है केवल एक मकसद के लिए। आप इतने तड़पते हैं, आपको बस दिल में दिमाग में एक ही बात आती है, आप कितने भूखे हैं। जब आपको लगे कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, जब आपको लगे कि आप गिव अप करने वाले हैं, तो याद करना कि आप क्यों इस रास्ते पर आगे बढ़े। आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपने ये जर्नी स्टार्ट करी, मैं आपको बताता हूं। आप भूखे थे। जब आप सब कुछ छोड़ देना चाहते हो, बार बार फेल होने पर सब खत्म कर देना चाहते हो, जब आप खुद से कहते हो नहीं यार अब नहीं हो रहा आई क्विट, मैं आपको याद दिलाता हूं आप यहां कैसे पहुंचे। भूख लेकर आई है आपको यहां तक, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर यहां तक लेकर आई है। आप तड़पते थे अपनी फैमिली को गरीबी से निकालने के लिए, आपको तकलीफ होती थी जब आप देखते थे आपकी फैमिली आपके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रही है, ये गरीबी डिस्कम्फर्ट अपने हालात सुधारने के लिए। भूख आपको यहां तक लाई है। याद रखना, हर सपने को पूरा करने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, हर सपने को डिसिप्लिन चाहिए। आप सारी दुनिया घूम लो, हर जगह अव्वल आने वाले स्टूडेंट्स को समझो, उनका बिहेवियर उनका माइंडसेट समझो, तो हमें पता चलता है कि बेहतर अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए एक ही साइंस है कि सक्सेसफुल स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, वो खुद को अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं। इवन जब एग्जाम्स में वो पास हो गए, अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन वो पढ़ना नहीं छोड़ते, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पूरी जिंदगी ही एक टेस्ट है। उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, उन्हें कुछ बड़ा करना है, हर बार वो अपना लेवल बढ़ा देते हैं। उनकी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकारो, अपने आप को रेस्पॉन्सिबल बनाओ अपने रिजल्ट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मोटिवेशन केवल आपको कुछ टाइम के लिए आगे ले जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको इस रास्ते पर आगे लेकर जाएगा, आगे बहुत आगे, आपकी मंजिल तक। अगर आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, आपको अपने वक्त की कदर करनी होगी, अपने टाइम को मैनेज करना होगा, प्लान करना होगा और उस प्लान पर एक्शन लेना होगा। अगर आप अपने गोल्स और सपनों को पूरा करना चाहते हैं, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर यकीन करना होगा। जब कोई खुद पर यकीन करता है तो वो सब कुछ बदल सकता है। सवाल ये है कि क्या आप में वो भूख है, वो यकीन है, वो जुनून है? अगर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।